मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। गाजियाबाद से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं दीपक बिष्ट। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में डबल सुसाइड से हड़कंप मच गया। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक अफसर की 48 साल की पत्नी का शव फ्लैट के एक कमरे में पंखे से लटका मिला, जबकि 29 साल की बेटी का शव उसी कमरे में बेड पर था। शुरुआती जांच में सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया है। काम से घर लौटने पर एचएएल के अफसर को घर का दरवाजा बंद मिला। शक होने पर उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया, फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो लोगों के सुसाइड से हड़कंप मच गया है। आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। एचएएल कर्मचारी की पत्नी का शव मिला और उसके बाद उनकी बेटी का भी शव मिला, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है। वहीं महिला की उम्र 48 साल बताई जा रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक अफसर की 48 साल की पत्नी का शव फ्लैट के एक कमरे में पंखे से लटका मिला, जबकि 29 साल की बेटी का शव उसी कमरे में बेड पर था। शुरुआती जांच में सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया है। दरअसल काम से घर लौटने पर एचएएल के अफसर को घर का दरवाजा बंद मिला, इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली, क्योंकि सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे मौत की और मामला खुदकुशी का जो है वो स्पष्ट कारण नहीं सामने आ पाया है, क्योंकि परिवार के जो दो शख्स, उनकी बेटी और उनके पति जो मृतक थे, उनके पति वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनका ये कहना है कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ उन्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि घर आने के बाद जब घर का दरवाजा बंद था तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से और पुलिस की मदद से घर का दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद बेटी और पत्नी की लाश उन्हें नजर आई। तो फिलहाल कुल मिला के ये कहा जाएगा कि खुदकुशी के कारणों की अभी इस वक्त साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है, परिजनों से बयान लिए जा रहे हैं, वहीं साथ ही इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर में परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद घटना के विरोध में उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि तेज रफ्तार एक ट्रक ने वहां से गुजर रही छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद छात्रा के घर वाले स्पॉट पर जुट गए और हंगामा करने लगे। इससे पहले कि वो ट्रक ड्राइवर को दबोच पाते, वो फरार हो गया। इस बात पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे के बीच छात्रा के घर वालों में एक आदमी ने एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदसलूकी कर दी। बात बढ़ती चली गई और पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूलते गए। काफी समझाने के बाद भी जब हंगामा कर रहे लोग शांत नहीं हुए तो उन्हें कस्टडी में लेने की कोशिश की गई। पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को धक्का देते हुए भी नजर आए, लेकिन हादसे का शिकार हुई छात्रा के घर वालों ने उनका विरोध जारी रखा। इस हंगामे की वजह से काफी देर तक एक छात्रा की बॉडी सड़क पर ही पड़ी रही। दावे के मुताबिक जिस तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से छात्रा की मौत हुई, उसके ड्राइवर को बाद में अरेस्ट कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के